प्रिय पेंशनर्स, जय हिंद। अपने सारे तनावों को अलविदा आज कह दें और पेंशन को नमस्ते करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिटायरमेंट में कोई भी जॉब नहीं होता, कोई भी स्ट्रेस नहीं होता और कोई भी पेमेंट नहीं होता। और यह पेंशन क्या है? महज एक डिफॉल्ट कंपनसेशन ही तो है। यह रिटायरमेंट कोई रोड का अंत नहीं है, बजाय कि यह एक हाईवे का ओपनिंग है। प्रायः हम ऐसा समझते हैं कि कुछ अंत हो चुका है, लेकिन अंत होने से ही दूसरे चीज की शुरुआत हो जाती है। हाँ मित्रों, हमारी लास्ट वीडियो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स का, जिसमें कि हमने सेलियंट फीचर और भी कई तमाम चीज आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इसी का अपडेट वर्सन स्पोर्ट्स में हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स एक्रोनिम है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। यह मुख्यतः एक कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन देता है पेंशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, विशेषकर डिफेंस पेंशनर का, जो कि इन लाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को। और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी आते हैं, जिसमें मिनिमल गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को ध्यान में रखा गया है। तो अब इसी स्पर्श के कई सारे समस्याएं जो कि हमें मिला, ये सब को जो पेंशनर फेस कर रहे हैं, इनके एक एक करके समाधान हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो आपको समस्या ही गिना दूं कि क्या क्या समस्या हमारे पेंशनर आज सफर हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि उनका अकाउंट स्पोर्ट्स में माइग्रेट हुआ कि नहीं, यह कैसे जाने। और उनके यूजर आईडी अगर मिला है तो क्या करें, अगर नहीं मिला है तो क्या करें, और स्पोर्ट्स पीपीओ नंबर क्या होता है, इन्हें कैसे लिया जाए, उसका स्टेटस कैसा चेक किया जाए, उसमें लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट किया जाए, और स्पोर्ट्स के वेरियस टच पॉइंट क्या है। तो इन तमाम बातों पर हम इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि आपका स्पोर्ट्स में माइग्रेट हुआ कि नहीं, इस चीज को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहला तो इसका यही पहचान है कि आपको SMS मिलेगा और ईमेल मिलेगा, जिसमें कि यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, जो कि रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी यानी कि आपके बैंक या DPDO के पास जो रजिस्टर्ड है यहां पर आएगा। और उस SMS में अगर आप देखिएगा, हो सकता है स्पैम में हो या कहीं, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इस तरह से हो सकता है कि डियर मुथु स्वामी, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, योर पेंशन आईडी इज 826-2019-00341, टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पोर्ट्स यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें ही दिया रहता है विजिट स्पोर्ट्स डिफेंस पेंशन डॉट गव इन, विजिट नियरेस्ट पेंशन सर्विस सेंटर, योर स्पोर्ट्स अकाउंट क्रेडेंशियल आर, उसी में रहेगा यूजर नेम, एग्जाम्पल बोल रहा हूं 826-2019-00-3410, इस तरह से रहेगा, और उसका पासवर्ड भी एक टेम्पररी पासवर्ड रहेगा। तो अगर माइग्रेट हो चुका है तो यह तो आएगा। दूसरा, अगर माइग्रेट हो चुका है लेकिन नहीं आया है अभी तक, तो हो सकता है 10 से 15 दिन तक के अंदर आपको माइग्रेशन के बाद भी आ जाए। अब दूसरा सवाल यह समस्या हो रहा कि किस तरह से यूजर आईडी और मोबाइल जो मिल गया आपको, मिल गया सपोज इस तरह का, अब उसको एक्टिवेशन कैसे करें, फर्स्ट लॉगिन कैसे करें। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्स के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां यूजर आईडी डालिए और ये जो टेम्पररी पासवर्ड मिला है इसे डालिए, इसे आपको चेंज करना होगा, परमानेंट पासवर्ड डाल लीजिए। इसके बाद आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ही आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है और अप्रूव हो जाता है, तब आप इन सारे को मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उनके प्रोफाइल को, जैसे कि पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, फैमिली डिटेल्स है, ये सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद। और यह होगा जब आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे।
तभी आपको स्पोर्ट्स के सारे फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः दो तरह के फीचर्स दिए गए हैं। पहला तो है प्री रिटायरमेंट, यानी कि सर्विस में रहते ही, तो उनके लिए है। जब नोटिफिकेशन हो जाता है, उन्हें सर्विस में पता लग जाता है, तो 15 दिन के अंदर क्लेम करना है पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन, जो PVD कहलाता है। उनके पेंशन क्लेम जो है उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। और रिटायर अगर हो चुके हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट वो अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, फैमिली डिपेंडेंट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ट्रैकिंग फैसिलिटी भी है, जिसमें सर्विस रिक्वेस्ट है, ग्रेवियंसेस है, माइग्रेशन स्टेटस को देख सकते हैं। इसके साथ ही पेंशन जो फाइनेंशियल टर्म है, उन सबों के इंटाइटलमेंट देख सकते हैं, पेंशन स्लिप देख सकते हैं, इनकम टैक्स देख सकते हैं, पेंशन के सारे एलिमेंट, कितना DA आ रहा है, DA अगर कटवाना है, जैसे अगर एम्प्लॉयड है तो, इसी तरह से उसके सारे एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट हैं उसमें, फैमिली फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हैं, और भी कई तरह के एलिमेंट हैं, जैसे CA बोलते हैं, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, इस तरह के किसी भी एलिमेंट को आप देख सकते हैं। अगर कम आ रहा तो आप ग्रेवियंसेस डाल सकते हैं। ग्रेवियंसेस में रेज ग्रेवियंसेस होते हैं और इसके लेट ग्रेवियंसेस भी हैं। इसके साथ ही आइडेंटिफिकेशन, जिसके तहत DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन है, और फैमिली के लिए रिपोर्ट इवेंट है, जिसमें कि डेथ, मिसिंग, कन्विक्शन या इनिशिएट फैमिली पेंशन आपको स्टार्ट करना है, तो इन सारी चीज को आप कर सकते हैं। तो यह तो हो गया कि अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया और उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, तब ये सब काम आप कर पाएंगे। पर समस्या क्या हो रहा कि अगर नहीं रिसीव हुआ, आपके ईमेल में या SMS में नहीं आया, तो अल्टरनेट मेथड क्या, यहां आके समस्या हो रहा, तो आपको क्या करना है, जो आपका PPO नंबर है उसे सफिक्स कर दें 01 से, यानी कि अगर आप एयरफोर्स से हैं तो 3492019 करके होगा स्टार्टिंग, जो कि 349 एयरफोर्स को दिखा रहा, 2019 ईयर ऑफ रिटायरमेंट दिखा रहा, इसके बाद 5 नंबर प्रोग्रेसिव नंबर होंगे, इसी में 01 लगा देना है। और पासवर्ड में आपको फॉरगेट पासवर्ड लिंक को यूज करना है, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। यहां अगर तब भी नहीं हो रहा, तब आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस को कॉन्टेक्ट करना है, या फिर उनसे संपर्क करना है और अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को अपडेट करवाना। अब चौथा समस्या आ रहा कि कैसे स्पोर्ट्स PPO नंबर को प्राप्त किया जाए, माइग्रेट अगर हो चुका है, या हम चेक कैसे करें स्टेटस को, तो इसके लिए आपको वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जो कि pcdapension.nic.in/pcda/view-sports-ppo.php करके आप देख सकते हैं इसमें कि आपका स्टेटस क्या है। और इसमें मोड सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें या तो ओल्ड PPO नंबर डालिए, या अपना पर्सनल नंबर डालिए, सर्विस नंबर या IC नंबर जो भी है, या बैंक अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से वहां पर जो टेक्स्ट बॉक्स आता है, इसमें आप बॉक्स में टाइप कीजिए, कैप्चा डालिए, सबमिट कीजिए, और आपका PPO नंबर, नया जो स्पोर्ट्स का PPO नंबर है वो दिख जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट स्पोर्ट्स में माइग्रेट हो चुका है। इसी माइग्रेशन को और भी कई जगह, जैसे ऑफिसर वगैरह का रोद्रा, उनका साइट होता है, उसमें वेरियस फंक्शन करके लिंक है, वहां डाक, स्पोर्ट्स और माइग्रेशन स्टेटस में ही दिखा देता है उनका नया PPO। अब पांचवा समस्या है कि जो हमने बताया कि आप ID रिसीव कर लिए या आपने क्रैक कर लिया, पासवर्ड भी बना लिया, अब जब तक आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फिलअप नहीं करेंगे, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप इस स्पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। दूसरा, आपका पेंशन भी आगे मार्च के बाद चलेगा नहीं, फरवरी तक तो आ जाएगा, और इनिशियलाइजेशन के लिए भी ये लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम है, आपको कई ऑप्शन में बताऊंगा, उसमें एक ऑप्शन है कि जीवन प्रमाण पोर्टल, जो कि बड़ा ही सरल है,
और यही सबसे सस्ता है, आसान भी है। अगर आप टेक्नो फ्रेंडली हैं तो ये बड़े आसानी से कर सकते हैं अपने पीसी टैब मोबाइल में। जीवन प्रमाण का जो ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यह ऐप आपको मिल जाएंगे jeevanpraman.gov.in से, ऑथराइज वाला ही लीजिए। और इस मोबाइल में आप जब इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो किसी भी तरह का आपको स्कैनर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहीं से स्टेप बाय करके आप आगे कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ऑन स्क्रीन आप फॉलो करते जाइए। आपको हो सकता है RD इस सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना पड़े तो यह, और किसी के मोबाइल में अगर स्कैनर वाला है तो और भी जल्दी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, अगर परेशानी ज़्यादा हो रहा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी डिटेल बताते हैं। दूसरा प्रोसीजर है DLC जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। अगर आप लॉगिन पेज कर लिए हैं, पासवर्ड डाल दिए हैं, तो इसके आगे आपको आइडेंटिफिकेशन टैब दिखेगा और वहां आपको परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करना है, और वहीं पर आपको एक छोटा सा सर्कल दिखेगा जहां की आधार नंबर डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा प्रोसीजर है MLC मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में आपको एक टोकन नंबर जनरेट होता है, वहाँ मीनू है जनरेट MLC, वो कीजिए, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। और आइडेंटिफिकेशन टैब कीजिए, परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन कीजिए और स्मॉल सर्कल पर कीजिए, आपको MLC जनरेट हो जाएंगे। और इससे इनिशिएट रिक्वेस्ट करना है, उससे क्या होगा, एक सर्टिफिकेट प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, PDF में सेव कीजिए, उसे प्रिंट आउट कीजिए, गजेटेड ऑफिसर से साइन कीजिए और फिर से दोबारा अपलोड कर दीजिए। ये यहाँ यह ध्यान देना है कि यह दोबारा नहीं होता है, एक ही बार होता है। और चौथा प्रोसीजर है कि किसी भी नियर बाय CSC सिटीजन कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जा सकते हैं। इंडिया में अभी काफ़ी 4 लाख से भी ज़्यादा है, जिसे ई मित्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ की कुछ रुपया लेंगे ही निश्चित और उसके बाद ये कर देंगे। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन सारी जानकारियों के बाद भी आपका काम नहीं बन रहा तो कैसे किया जाए, तो यह अंतिम आता है कि स्पोर्ट्स का टच पॉइंट क्या है। मैं बेशक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तत्काल मैं आपको बता दूं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि इस काम के लिए अगर ये सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है तब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को या हेड ऑफ ऑफिस को कॉन्टेक्ट कीजिए, या PCDA का टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325 जो कि 5 डेज वर्किंग करते हैं, 9:30 to 6 o'clock तक काम करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए आप TCS के नंबर भी 0112089378283848485 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनके स्पोर्ट्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जा सकते हैं, sportsdefensepension.gov.in। अब मैं बताता हूं कि कुछ इनके नोडल ऑफिसर हैं, अकाउंट ऑफिसर के कैडर का इनको नोडल ऑफिसर दिया गया है, बनाया गया है, और इन सबों का मैं नंबर बेशक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ अगर आप नोट करना चाहें तो अवश्य नोट कर लें। अगर आप एयरफोर्स के हैं तो आप राजेश सिंह यादव को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका मोबाइल नंबर है 9936691809 और इनका ईमेल आईडी है rajeshsinghyadav.dad@hub.nic.in। ये एयरफोर्स को। एयरफोर्स के एक और हैं श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, इनका मोबाइल नंबर है 9389075910 और इनका ईमेल आईडी है dharmendrasinghdad@gov.nic.in। तो ये दोनों एयरफोर्स का देखते हैं। इसी तरह से नेवी के, आर्मी के, अगर आर्मी का जानना चाहते हैं तो ये मनीष जी हैं, इनका मोबाइल नंबर है 9415267523 और इनका भी ईमेल है manishrao.dad@gov.nic.in। इस तरह से आर्मी वाले इनको, और नेवी के लिए भी है नंबर रमेश कुमार सिंह जी का, जिनका मोबाइल नंबर है 9935590787 और इनका ईमेल आईडी है rksinghao.dad@gov.nic.in। तो इस तरह से इनका सारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां आप देख सकते हैं अगर जरूरत है।
और मैं आपको यह बताऊं, ये सारे नंबर वर्किंग है, मैंने खुद ही इसे ट्राई किया है और बेहतर से रिस्पांस भी दे रहे हैं। अब इस लघु वीडियो के अंत में बोनस टिप्स बोलता हूं कि सारे पेंशनर को एक बार स्पोर्ट्स वेबसाइट में आप जरूर जाइए, sports.defensepension.gov.in, स्पेशली उसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उस लिंक को आप देखिए, उनके सारे फीचर क्या फैसिलिटी है इन सब को खुद को अवगत कर लीजिए। और जो पेंशनर ऑलरेडी माइग्रेट हो गए हैं तो उन्हें यह दिया जाता है सलाह मेरे ओर से कि लॉग इन कीजिए और देखिए कि उसमें आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में क्या है, पेंडिंग है या वेरीफाइड है। वेरीफाइड है तब तो ठीक है, और पेंडिंग है तो फिर से आप सबमिट कीजिए। जब भी आप डीएलसी एमएलसी सबमिट करते हैं और स्पर्श के थ्रू, तो उसमें जरूर सेलेक्ट कीजिए और उसमें टाइप कीजिए और स्पर्श पीसीडीए इलाहाबाद पीडीए के जगह पर, तभी आपको जीवन प्रमाण में वह डाटा फेच होगा। और जब आपको पता चल गया कि आपका पेंशन स्पोर्ट्स में माइग्रेट हो गया है, तो जरूर जीवन प्रमाण साइट जो कि बड़ा ही सरल है, या फिर सर्विस सेंटर के थ्रू, अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर थोड़ा टेक्नो सेवी हैं तब तो अपने सिस्टम में ही इंस्टॉल कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, बड़ा ही सरल है, फ्री है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके ईमेल आईडी पर जाएंगे ओटीपी और वहां से तुरंत आप कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तब आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं और तब लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जरूर सबमिट कीजिए, तभी आप इसके सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बता दूं मुख्य बात कि इसमें अपलोडिंग के लिए, अगर आप एमएलसी करते हैं, आप जनरेट कर लिए, गजेटेड ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं, इसमें 10 दिन 15 दिन 20 महीना भी लग जा रहा, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब भी करेंगे उसके अगले महीने में आपका आ जाएगा और अलोंग विथ ऑल द प्रीवियस मंथ एरियर भी आ जाएगा। तो सारे अप्लीकेबल पेंशनर जो बेनिफिट हैं, जो डिले हो गए थे आइडेंटिफिकेशन के कारण, ये सब हो जाएंगे। यहाँ आपने देखा कि जब आप फुल लॉगिन कर पा रहे हैं तो उसके फुल फीचर्स को अवेल कर पाएंगे। और इसमें प्रमुखता दो तरह का होता है, एक तो होता है स्टेट थ्रू प्रोफाइल रिक्वेस्ट है जो कि तुरंत ही हो जाता है, और दूसरा है अप्रूवल बेस्ड प्रोफाइल रिक्वेस्ट। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जाए, पीसीडीए स्पोर्ट्स के थ्रू जाए। ये सब मुझे उम्मीद है काम करेगा। और अगर ये सब भी काम नहीं कर पा रहा, कोई बड़ा ही समस्या आ गया, तो आप आरटीआई एक्ट 2005 का जरूर इस्तेमाल कीजिए, जिसके तहत आप किसी भी मटेरियल को, किसी भी फॉर्म जो कि रिकॉर्ड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मेमो हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, उनके ओपिनियन या एडवाइस या प्रेस रिलीज या सर्कुलर या ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल, किसी भी तरह में, या तो प्रिंटआउट में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या तो डिस्क हो, डीवीडी हो, फ्लॉपी हो, टेप्स हो, वीडियो कैसेट हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी फॉर्म में हो, और इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड आपको जरूरत है, ये आप ले सकते हैं आरटीआई डाल के, जो कि किसी भी प्राइवेट बॉडी का पहुंच सकते हैं एक पब्लिक ऑथोरिटी के विषय वस्तु पर, जो कि लॉ के द्वारा परमिटेड है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको पूरा मदद करेगा आपको स्पोर्ट्स को इनिशियलाइज करने में। तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि दिल से युवा रहें और आत्मा में दयालु रहें और सेवानिवृत्ति के जीवन का आनंद लें। बी हेल्दी एंड बी सिक्योर्ड। थैंक यू।